वेलकम टू इंडिया वाले रिएक्शन। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड लाइक हाउ आर यू गाइज डूइंग? मतलब इट्स बीन लॉन्ग सिंस हम लोग का बात हुआ है। हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट रिएक्शन देते, कुछ बोलते नहीं है। सो आई रियली वी रियली वांट टू नो कि कौन कौन हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है। सो अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आई एम वॉचिंग फ्रॉम दिस प्लेस और दैट प्लेस। लाइक कहीं से भी हो ना, एक प्लेस का नाम बता देना, बिकॉज हम लोग को भी जानना है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ जाती है। सो ऐसे तो मतलब इट्स बिन लॉन्ग, हम लोग ने मतलब ऐसे ही चिट चैट हम लोग करते भी नहीं ज़्यादा, बट अब किया था आई थिंक पहले, बहुत पहले किया था, फिर उसके बाद किया नहीं है। सो अभी हम लोग को जानने का मन कर रहा है कि आपको कैसा। सो वी हैव आस्क्ड यू, and I know no one is going to ask us how we are, but we are definitely fine standing in front of the camera and reacting. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग आज के इस वीडियो पर मास्टर मूवी पर रिएक्ट करने वाले हैं, और इस मूवी से हम लोगों ने काफ़ी रिएक्शन वीडियो बनाया है। आप लोगों का कमेंट इतना आ रहा है कि मास्टर मूवी से रिएक्शन वीडियो बनाए, सो इसलिए हम लोग कंटिन्यू इसी मूवी से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आप सभी का, हमारा भी क्रेज़ है। मैंने इस मूवी को पूरा देखा है, और छोटे छोटे क्लिप पर हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था रिएक्शन वीडियो, लेकिन आप लोगों का कमेंट आया कि थोड़ा लेंदी वीडियो बनाए, कंप्लीट वीडियो पर रिएक्ट करें। तो इसलिए आज के इस वीडियो पर हम लोग बकेट सीन पर रिएक्ट करने वाले हैं, और ये सिर्फ बकेट सीन का फाइटिंग नहीं होने वाला है, जहां थलापति विजय सर जाते हैं और फाइट करते हैं। उसके बाद सर और एक जगह जाते हैं, जहाँ पर विजय सेतुपति सर, मतलब कि भवानी, उनका फाइट नहीं होता है, बट वहाँ पर एक सीन होता है जहाँ पर सर ढूंढने जाते हैं कि हाँ यहाँ भवानी कौन है, लेकिन उनको पता नहीं होता है, वो भवानी को ही पकड़े हुए रहते हैं, और उधर पे एक छोटा सा सीन होता है। सो उस सीन पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, जेडी एंड भवानी और बकेट सीन। सो आज के इस रिएक्शन वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मास्टर मूवी है भाई, लाइक तो बनता है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप विजय सर के ट्रू फैन हैं तो यू हैव टू डू दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट भी करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमने सब उल्टा फुल्टा करके बोला है, फॉरगिव मी फॉर दैट, बट दो फ्रेंड्स आज के इस रिएक्शन वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो आप भी देखिए, हम लोग भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन। मेरा हाथ दिखाई दिया ना, मैं इधर आना ही नहीं चाहता था। चलो मास्टर, गलती बात है। सबके पीछे एक खास वजह है, तो रुक जा। अच्छा, तो इधर खाना खाने नहीं आए? अब यहाँ फाइट होता है। सोचा था किसी कैंडल लाइट डिनर के लिए मुझे बुला रहे हो। हाँ, पिछली बार यहाँ आया था तो बिजली नहीं थी, कैंडल ही जला रखी थी इन्होंने। ठीक है ठीक है, ओके रिलैक्स। जगह मत देखो, मैंने सुना यहाँ खाना बढ़िया मिलता है। खाने के लिए टोकन लेना होगा, आप ही ले लो बहन। लगा था थोड़ी प्राइवेसी तो होगी। ठीक है, आंखें बंद करके अपना राइट हैंड दिखाओ। पर क्यों? दिखाओ, बताता हूँ। जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। अब खोलो। तो सलून में उस लड़के के हाथ पर था। जाकर उसे दिखाओ, खाने का टोकन मांगा। ये दिखाने से फ्री में खाना। सबके पीछे खास वजह है, दिखा दो। जबर भूत, लुक एट हर एक्सप्रेशन। फिर से यही हो गया मेरे साथ। बाकी सब भवानी के लोग देख लेते हैं।
पार्टी अभी टूटी नहीं This What video is downloaded from HD Hub for you. ये भवानी का अड्डा है। पता ही नहीं भवानी किसी ने देखा भवानी को कैसा नाम है भवानी नाम रखते वक्त उल्टा सोया हुआ था क्या ये बाबा मैं तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूं मुझे मारने की ऐसी घटिया हरकतें मत करो वरना इसके गले में छेद कर दूंगा समझे जाओ तो एक और बोतल फेंक कर देख लो तूने भवानी को देखा है मैं जो कहूंगा उसे जाकर बोल देगा भवानी 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 मैं सीधा तेरे इलाके में घुस गया हूँ भवानी बोल बे आप बोलो मैं जाकर बोल दूंगा नहीं
तू डर रहा है तो रहने दे। देखो तुम सबके सामने बोल रहा हूँ, सुन लो। जिस दिन तुमने उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है। छोटे बच्चों के हाथ पर टैटू बनाकर उनसे गलत काम करवाते हो, वो आपसे नहीं होगा। आज के बाद अगर बच्चों से गलत काम कराने की किसी ने सोची तो मुझे मारने के बाद ही सोचे, लेकिन उसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं मरने से पहले कम से कम 10 लोगों को मार कर ही मरूंगा। फिर सामने चाहे भवानी खड़ा हो या फिर कोई भानुमती। भानुमती जाकर उसे बोल देगा ना। चल उठ। दरवाजा बंद कर ले। जबरदस्त था मेरे को तो। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव विदाउट एनी रीजन, आई डोंट हैव एनी रीजन टू लव, बट दिस वाज क्वाइट फनी फॉर मी। जब वो ये भवानी कौन है, जबकि भवानी को ये बात बोल देगा ना तो तूने देखा ये कैसा नाम है भवानी, भवानी हो या भूमिका, क्या बोला उन्होंने? भवानी नहीं नहीं वो उन्होंने बोला भवा, चाहे कोई सामने कोई भवानी खड़ा है या भूमिका या भूमिका भूतमती जो भी था कुछ बोले वो लाइक वो थोड़ा सा मतलब मेरे को फनी लगा। सो आई रियली लाइक, और उनका जो एक्सप्रेशन होता ना मतलब नो वर्ड्स। और इससे पहले जो बकेट का सीन था, एक बकेट से सभी को खत्म किया। अरे हाँ, मुझे उन लेडी के बारे में कुछ बोलना है जो बकेट फर्स्ट सीन ऐसे दिखा रहे थे हाथ ऐसे करके। आई जस्ट वांट टू टेल समथिंग, आई फेल्ट कि there's some ghost inside her and वो मतलब पता नहीं क्यों उनका फेस देख के मेरे को ऐसा फील हुआ कि ghost, not because of her face at all, because of her expression, वो जिस वे ऊपर देखी ना वो it was looking like that, वो भयानक देखने के बाद। क्योंकि उसमें उस मार्क में क्या होता है कि फ्री में देना होता है खाना, इसलिए उसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि आप फ्री में खाना देना होगा और उसे मारने के लिए फिर और एक लेफ्ट साइड से कोई आता है, उसी में थलापति विजय सर आकर रोकते हैं और वहाँ से फाइट शुरू होता है। और ये साइन का मतलब ही है कि आपको फ्री में खाना देना होगा, ये भवानी का बनाया हुआ एक सिस्टम है। सो उस सिस्टम को फिर तोड़ते हैं सर और बकेट को लेकर फाइट होता है। तो आज के इस वीडियो पर हम लोगों ने बकेट सीन को देखा और सर जो भवानी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं उनके अड्डे पर वो भी देखा। सो ज़बरदस्त रहा, और इसके बाद हम लोग और भी रिएक्शन वीडियो लाने वाले हैं, इसके बाद क्या होता है। सो कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या देखना है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल कुछ और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।